जब भी मैं इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता हूँ, फिर वो चाहे एक फोटो हो या वीडियो हो या फिर कोई मूवी, मेरे दिल से हमेशा ये आवाज आती है कि भाई इस जगह पे तो एक बार जरूर जाना है। अब इसे चाहे आप मेरे भगवान के लिए श्रद्धा मान लीजिए या फिर एक स्वर्ग जैसी जगह को अपनी आंखों से देखने की चाह, बट केदारनाथ हमेशा मेरी बकेट लिस्ट में टॉप पे था। पर वो कहते हैं कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा, जब तक आपको केदारनाथ धाम के दर्शन नसीब नहीं होंगे। तो आखिरकार हमको महादेव का बुलावा आ गया और हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के। पर ये कहानी स्टार्ट हुई थी एक दिन पहले। दोनों बैग्स हमारे पैक हो चुके हैं, और अगर बैग्स हमारे पैक हुए तो कोई ना कोई प्लान हमारा होगा। हमारा प्लान है निकलने का टू केदारनाथ, और अभी बेहतर सुबह के 3, और मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्तों का जो थोड़ी देर में ही यहाँ पे आने वाले हैं। सारा कैमरा का सामान है और छोटा मोटा सामान है, और ये बैग है जिसमें सारे कपड़े। तो मौसम थोड़ा मजेदार सा हो रखा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बारिश की भी थोड़ी सी महक है, तो हमारा ड्राइवर भी इस वजह से लेट हो गया। बट ऐसे मौसम में मजा तो आने वाला है, और मेरे दोस्त का भी कॉल आ गया, तो फटाफट मैं कॉल उठाता हूँ और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब जल्दी खाना खाना, जिंदगी का नाम बताओ क्या देव सेना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है मैं, तू ही है देव सेना वाला। देव राणा मुझे करेक्ट कर रहा है। गेम चल रहा है, इस वाले पत्थर को कौन मारेगा सबसे पहले देखते चलो भाई कौन मारेगा। अरे लगा था ना भाई। तो अभी हम लोग हैं आरटीओ ऑफिस ऋषिकेश, और यहाँ पे जो हमारी कार है उसका ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब आपको अगर जाना है केदारनाथ तो आपको ग्रीन कार्ड कराना पड़ता है अपनी कार का, वो व्हीकल रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो वो प्रोसीजर पूरा चल रहा है, अराउंड 2 से 2.5 घंटा लगने की उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी हमारी हो रही है। रिएक्शन ले रहा था तो जल जी रहा का बढ़िया है। चलो भाई चलो, चलो भाई कूल, ग्रीन कार्ड बन गया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यूरोप भी घूम सकते हो। नगरी देवप्रयाग, और यहाँ से ये संगम, यहाँ पे देखो 2 कलर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो वी हैव रीच्ड आवर होटल, ये सोनप्रयाग से पहले थोड़ा रामपुर के पास हमने अपना होटल बुक किया था, वहाँ पे हम पहुँच गए। एक रूम बुक किया, उसमें 6 लोग हम एक साथ सब सोने वाले हैं। सो सारा सामान यहाँ पर रख दिया है। अब अभी बज रहे हैं शाम के 8:30, अभी सब लोग ऊपर खाने खाने पहुँच गए, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद खाना खाएँगे, उसके बाद सोएंगे, और फिर हमको निकलना है 1 या 1:30 बजे यहाँ से अपने गौरीकुंड के लिए। तो फटाफट खाने चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन। तो हमने 1:30 बजे उठने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि लोकल्स ने हमें बताया है कि वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन की लाइन लगती है, और अगर आप लेट जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ सकता है क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हमने सोचा हम जल्दी पहुँच जाएंगे, इससे हमारी यात्रा पहले स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो आपको अगर आप लेट जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है टैक्सी मिलने में। ऑल सेट, ऑल सेट, तो हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है। सुबह के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे, रात के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2-3 घंटे की नींद हमें नसीब हुई है। 9:30 बजे करीब हम सो गए थे, और अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। उससे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना चेक कराना है, और फिर निकलते हैं। 6 के 6 लोग तैयार हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्पॉट पे वी हैव रीच्ड। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो चुका है, अब कहाँ जा रहे भाई हम लोग? कैब के लिए। तो भाई गाड़ी में से तो उतर गए, और हमारे उतरते ही चल दियो, अभी तक रुकी। पैदल मार्ग स्टार्ट, केदारनाथ का हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। बोल बम करते निकल रहे हम लोग, और 4 लोग आगे भग गए,
पता नहीं किस जोश में अभी खड़े मिलेंगे थोड़ी देर बाद, कहेंगे भाई रुक जाओ तेज मत जाओ। बोले बोले तो भाई बोले के ही होली है। तो हमारी टीम्स छः की टीम दो 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 में डिवाइड हो गई है, आगे दो चल रहे हैं, बीच में दो चल रहे हैं, पीछे दो चल रहे हैं। आगे कुशाग की हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। ओए 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 ये कार्डियो रोज करना चाहिए। अब तो काफ़ी बेटर कर रहा है क्योंकि अभी तक रुकावट दिखाई नहीं दिया, तो कंडीशन थोड़ी बेटर है, पर ट्रक से ज़्यादा तो गर्मी की वजह से हो रही है, ज़्यादा ही कपड़े पहन लिए, इनर पहनना थोड़ा गलत डिसीजन हो गया, ये जैकेट पहनना तो इतनी बड़ी गलती हो गई है, तो भीगा हुआ एकदम। -5 था हाँ, भीगा हुआ 60 डिग्री पे तो ये भीगा हुआ, ये भीगा हुआ, सब भीगा हुआ। हमने तो कर लिया चेंज। नहीं नहीं 4-1 किलोमीटर भाई साहब, खच्चर उन्हें दिमाग खराब कर दिया भाई। खच्चर की और लोगों की रोड अलग होनी चाहिए, जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं उनको इतनी परेशानी होती। भोले कहाँ रह गए भाई, फिर भोले भाई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये हमारा पहला मेजर स्टॉप खाने के लिए और मैं इसका दोस्त। एक कितने देर का, आधे घंटे का ब्रेक हो गया होगा, आधे घंटे का ब्रेक हुआ, दिन निकल आया है, एनर्जी आ गई है, अब तो गगन भाई साहब रुकेगा ही नहीं। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो गया होगा। पहला व्यू पहाड़ों का, वहीं पहुंचना है। ये लोग कैसे चल रहे हैं, किस स्पीड के साथ से सब चल रहे हैं। गगन पीछे रह गया मेरे से पीछे, उसको मैंने काफ़ी देर तक अकंपनी करने की कोशिश करी, पर वो काफ़ी रुक रुक के आ रहा है। झरना वाटरफॉल प्रकृति का आनंद ले, तो प्रकृति का आनंद लेते हैं, आनंद ले लिया प्रकृति का, इतना ले लिया कि उसको बैटरी दान दे दी ले प्रकृति। तो मेरा GoPro एकदम से बंद हो गया, तो मैंने उसकी बैटरी निकाली, उसको मैं ऐसे घिस घिस के गर्म कर रहा था और अचानक वो मेरे हाथ से छूट के गिर गई खाई में। खैर जो हो गया सो। खच्चर का रास्ता अलग हो गया और आदमियों का अलग रास्ता अलग, और यहाँ पर खच्चर नहीं दिखाई दे रहा, कितना अच्छा लग रहा है विदाउट खच्चर, लेस इज सो गुड। तो अभी स्टेटस ये है कि एक तो हमारी बैटरी गिर गई है जो आपको बताइए, उसके बाद जो वरुण अमन और कुशाग हैं वो लोग आ गए, और मैं प्रशांत और गगन पीछे, वो लोग हम लोग शायद बीच में कुछ खाने के लिए रुक गए थे तो वो लोग नहीं रुके, तो शायद वो थोड़ा आगे निकल गए, अब वो लोग खा रहे हैं तो शायद हम लोग उन लोगों को कैच कर लें। तो चलते हैं झरना, और तो एक झरने पे एक बैटरी गई है, दूसरे झरने पे बैटरी नहीं गई। यहाँ पे आप कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बना रहे हैं से। खच्चर वाली रोड स्टार्ट हो गई है, तो पिछले वाली रोड पे भी खच्चर थे पर थोड़े कम थे, यहाँ पे फुल फ्लैजेड खच्चर। केदारनाथ यात्रा अब बाद और रह गया, चढ़ाई शुरू है भाई, आप देख आ आएगा मजा। तो शॉर्टकट मार के आ गए, वो लोग आ रहे हैं अभी तक तो दिखाई दे नहीं रहे। सात किलोमीटर रह गए हम तक, 6-7.5 और मेरी तन्हाई फिर से एक साथ आ गए हैं, क्योंकि मैंने एक अच्छा रास्ता चुना है और उन्होंने वो वाला चुना है। बहुत सुंदर व्यू,
उससे भी सुंदर व्यू अभी आएगा थोड़ी देर में सबसे सुंदर व्यू। स्टेबिलिटी सही रहती ना इसमें, स्टेबिलिटी सही रहती। हाय बोलो। हाय हेलो गाइस हाउ आर यू। फिर से मेन रास्ते को डिच करके एडवेंचर को चूज किया। ऑलवेज चूज एडवेंचर। एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, अब तो एडवेंचर आया इसमें, जब से एडवेंचर ही नहीं था। सरदार ने पता ये डिमांड करी, समतल बना दो पर एक बढ़िया सी चढ़ाई कर दो। देखते ही बाहर के आते ही 50 सीढ़ियां के भाई साहब ले तू चढ़ाई कर। ये जब आपदा आई थी तो लैंडस्लाइड हुई थी तो पूरा ये पहाड़ कट गया। इस पहाड़ की चोटी पे जाना है। रुद्र पॉइंट आएगा इसके बाद। चलो भाई तो स्लो खेल। जय भोले की। ये भाई कह रहे हैं कि ये वाली ट्रैक रिकमेंड नहीं करनी। ये नहीं करनी, नहीं करनी भाई, नहीं करनी। देखा आ गए जी टॉप पे आ गए। थोड़ा सा और है यहाँ, उसके बाद तो सीधा ही रास्ता है। वी आर ऑलमोस्ट एट द बेस कैंप। अभी हम हैं रुद्रा पॉइंट पे और वो दोनों पीछे रह गए, शायद फ़ोन पे बात कर रहे थे इस वजह से वो पीछे रह गए। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर है शायद, तो फटाफट मतलब पहुँचता हूँ। सब तो पहुँच चुके हैं, हम तीनों रह गए थे। और व्यू तो देख लो आप, खच्चर 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 ही खच्चर। क्योंकि शायद इसके बाद खच्चर अलाउड नहीं है तो खच्चर यहीं तक, इसके बाद आपको 1 किलोमीटर तो पैदल चलने पड़ेगा। घोड़े वाले घोड़े वाले इनका बस चले मंदिर के सामने खड़े करते हैं। हटो हटो हटो, साइड 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 साइड। क्या भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो मैं तो बेस कैंप पर पहुंच गया हूं, बट अभी गगन और प्रशांत भीड़ में जो जिसमें फंसा हुआ तो उसी में फंसा हुआ है, उनका मैं वेट कर रहा हूं यहां पे बैठ के। मंदिर वो पहुंच गए हैं, देखते कितनी देर में वो लोग आते हैं फिर हम चलेंगे। लोग तो भीड़ में फंसे हुए हैं तो मैंने उनसे बात की और फिर उन्होंने कहा भाई तू चला जा उन लोगों के पास, क्योंकि और लोग तो पहुँचे हुए हैं ना, तो मैं जाता हूँ। उन्होंने होटल बुक कर लिया है हमारा, मतलब ऑलरेडी बुक था तो वो लोग वहीं पे हैं, तो मैं भी बोलता हूँ आराम आराम करता हूँ, यहाँ पे बैठने को फायदा तो है। बाय द वे अगर आपको कैंप्स बुक कराएं तो बेस कैंप पे बहुत सारे कैंप्स और यहाँ पे स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आगे होटल्स कैंप्स कुछ मिल जाएगा, सब चले आओ आराम से रखो, एक दिन रेस्ट करो फिर जाओ दर्शन करके सुबह के शाम। अब तो हालत ख़राब हो गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी फील हो रही है, सांस फूल रहा है। धीरे धीरे चल रहा हूँ, छोटे छोटे से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। हेलीपैड के सामने कुछ सुनाई नहीं दे रहा। स्टेशन की लाइन वहाँ से पता नहीं कहाँ तक है भाई साहब। यहाँ से लाइन चालू हो गई है, से होते हुए वहाँ से जाते हुए उसके भी आगे जाके पता नहीं भाई कितनी लंबी लाइन। तो अभी जो है शाम के 5 और हम हैं अपने स्टे में और अभी भी सो के उठे हैं, आते ही सो गए थे। कुछ मतलब हिम्मत ही नहीं कुछ करने की, सारे शरीर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बट हम ऊपर आ चुके हैं और अब कुछ खाने पीने का टाइम है तो हम जा रहे हैं खाने पीने। जो हम मेरे दोस्त थे 2-3 वो पहले ही आ गए थे और कुछ 2-3 दोस्त बाद में आए, तो बट हम 6 लोगों के लिए स्टे है जिसमें अराउंड 4 बेड्स हैं, आराम से 3-3 लोग 2-2 बेड पर सो सकते हैं। अंदर एक वॉशरूम है, उसमें बढ़िया सब सर्विस है, सब सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है निकलने का। तो प्लान में एक सडन चेंज हो रहा, हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो आपको दिखाते हैं मंदिर का व्यू। सारी मेरी थकान मिट चुकी है और क्या ही कुछ है नहीं मेरे पास बोलने का। पुण्यम
तो अभी कपाट शायद बंद होने वाले हैं, उसके बाद आरती की तैयारी होगी और फिर 7:30 बजे होगी आरती, उसके लिए हम यहीं पे होंगे। अभी हमने टीका लगवाया और मैंने इस भाषा से पूरा वीडियो बनवाया और उसे बटन नहीं दबाया, पूरी वीडियो नहीं जय बोले बोले बोले। अभी हम जा रहे हैं विशेष पूजा कार्यालय में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है हमको विशेष पूजा का। हमारी विशेष पूजा का तो रजिस्ट्रेशन हो गया, वो है 11:30 बजे और अभी हम जा रहे हैं भीमशिला पे, आपको दिखाते हैं भीमशिला और उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो ये हमारी भीमशिला जब पड़ले आई थी तो ऊपर से पानी आया था और इसने मंदिर को उस पानी से बचाया था, मतलब ये पत्थर कहीं से आके यहाँ पे गिर गया था और इसने पानी को ऐसे काटा जिससे कि मंदिर को कुछ ना हो। कुछ तो है भाई, मतलब यहीं पे आके सिर्फ मंदिर रह गया, श्रद्धा की बात है। अभी हम लोग आरती में बैठे हैं। आरती के बाद हम गए अपने रूम पे, वहाँ पे थोड़ा आराम किया, उसके बाद जाना था हमें विशेष पूजा के लिए ज्योति 11:30 बजे। सो वो तो आपको अगले ब्लॉग में दिखाई देगी और इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी वुड यू ऑन बी नॉट बट एनीबडी ऑन बी हरर।